मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद है, आप सबको मालूम है, फिर से मनन करें। सब दिन होत न एक समाना, ये पहली पंक्ति किसको याद नहीं होगी। सब दिन होत न एक समाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गहे निशाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात बीमाना, एक दिन उनका बनो बात भय दशरथ तजियो पराना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना, एक दिन बालक भव गोदी माँ, एक दिन भयो जवाना, एक दिन चिता जले मरघट में धुआं जात असमाना। कहत कभी सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, जो यह पद को अर्थ लगावे होनहार बलवाना। सब दिन होत एक समाना, किसी भी मनुष्य के जीवन में सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। दुनिया का नियम है उथल पुथल होते रहना, न तो सदा सुख रहता है न सदा दुख रहता है, न सदा घाटा रहता है न सदा मुनाफा रहता है। कोई परिस्थिति सदा एकरस रहती नहीं है। व्यक्ति के जीवन में देखो, सामाजिक जीवन में देखो, और प्राकृतिक घटनाओं में भी देखो। रोज सुबह होती है और रोज शाम होती है, लेकिन न सुबह रुकती है न शाम रुकती है। रोज दिन होता है, रोज रात होती है, न दिन रुकता है न रात रुकती है। सुबह सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त होता है, न सूर्योदय रह जाता है न सूर्यास्त रह जाता है। और ले लो, हर साल ठंडी के महीने आते हैं, हर साल गर्मी के महीने आते हैं, हर साल बरसात के महीने आते हैं, न ठंडी रुकी है न गर्मी रुकी है न बरसा रुकी है, एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। संसार में स्थिरता कहीं है ही नहीं। दुनिया में हर चीज हर समय परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, हर समय परिवर्तन का चक्र निरंतर चलता चला जा रहा है, और परिवर्तन में ही निर्माण होता है, परिवर्तन में विनाश होता है, परिवर्तन में मिलना होता है।
क्या हो रहा है। मैं कह रहा था परिवर्तन में मिलना होता है, परिवर्तन में बिछुड़ना होता है। आप यहाँ आए, कैसे आए? अपने घर के लोगों से बिछुड़े हैं तब यहाँ के लोगों से आप मिले हैं। आपका घर जब सुना हुआ है तब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप जितने लोग बैठे हैं सबके सब ये सोचते कि मुझे अपने घर से निकलना ना पड़े लेकिन मैं आश्रम में पहुंच जाऊं, ये तो संभव नहीं था। आपने घर छोड़ा तब आप आश्रम से जुड़े, एक घंटा पश्चात आप आश्रम छोड़ेंगे और फिर उसके बाद अपने घर से जुड़ेंगे, ये नियम है। तो यहां स्थिरता कहते होगी, स्थिरता यहां होगी ही नहीं, हमें समझना पड़ेगा। आदमी अनुकूलता अनुकूलता चाहता है, जो बढ़िया बढ़िया उसे मिलता है उसे चाहता है ये बढ़िया मेरे पास सदा रहे, और जिसे वो घटिया समझता है दुख पीड़ा अपमान घाटा सोचता है ये मेरे जीवन में ना रहे। लेकिन ये होगा कैसे? सुख आएगा तो दुख आएगा, सुख और दुख दोनों साथी हैं, एक के बाद एक आते जाते रहते हैं और हमारे साथ छाया की तरह लगे रहते हैं। हाँ इतना जरूर है सुख आने पर इतराओ मत, दुख आने पर घबराओ मत। सुख आने पर इतराना, घमन कर लेना गलत है और दुख आने पर घबराना और गलत है। लेकिन दुख आने पर वही आदमी ज्यादा घबराता है जो सुख आने पर इतराता है। यदि अपमान के दुख से बचना चाहते हो, अपमान किसी को पसंद नहीं है, अपमान मिलने पर हर आदमी का मन क्षुब्ध होता है, दुखी और पीड़ित होता है, तो यदि आप अपमान के दुख से बचना चाहते हैं तो सम्मान में सुख मानना बंद कर दो। जब तक सम्मान में सुख मानते रहोगे, प्रशंसा में सुख मानते रहोगे, तब तक अपमान और निंदा में दुखी होते रहोगे, ये नियम है। जो आदमी सम्मान पाने पर शांत रहता है, प्रशंसा पाने पर शांत रहता है, उस आदमी को अपमान मिलने पर दुख नहीं होगा, निंदा में होने पर दुख नहीं होगा। अब फिर भी यदि आप समझौता करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो करना क्या है? सुख में भूले ना, दुख में रोए ना। समझ लो सुख भी मेहमान है, दुख भी मेहमान है। बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख मिला, बहुत सुख मिला, सोच लो ये सुख कुछ मेहमान की तरह आया है कुछ दिन रहने के लिए, और जब दुख आ जाए ना तो सोच लो ये दुख भी मेहमान है कुछ दिन रहने के लिए आया चला जाएगा। एक छोटा सा वाक्य है, दो चार शब्द उसमें है, हर परिस्थिति में सुख में दुख में घाटा में मुनाफा में निंदा में प्रशंसा में सम्मान में अपमान में हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो एक छोटा सा सूत्र याद रखें, वो क्या है?
सूत्र है यह भी नहीं रहेगा, बस इसको याद रख लो। अंग्रेजी में कहें तो दिस टू विल पास, हिंदी में है यह भी नहीं रहेगा, अंग्रेजी में दिस टू विल पास, यह भी नहीं रहेगा। एक सज्जन बड़े धनी और संपन्न आदमी थे, परिस्थिति ने करवट बदली, व्यापार में घाटा हुआ, व्यापार बंद हो गया, कर्जा में डूब गए, मकान को बेच देना पड़ा और जहां रहते थे वहां पर उसी शहर में, शहर के बाहर एक छोटा सा कमरा ये बनाकर रहने लगा। उसका मित्र बाहर रहता था, कई सालों के बाद लौटा, लोगों से हालचाल पूछा, कहा वो तो सेठ तो अब गरीब हो गया है, अब तो उसका सब कुछ बिक गया है, मकान का सब कुछ बिक गया, तो अमुक जगह एक छोटा सा कमरा बना करके रहता है, बहुत गरीबी में जी रहा है। खोजते खोजते पता लगाते उसका मित्र वहां गया, पूछा लोगों से, देखो वो बताया कि वो जो कमरा दिखाई पड़ रहा छोटा सा वही कमरा उसका है, वहीं वो बैठे होंगे, जाओ। गया, उसने स्वागत सत्कार किया, कुछ जलपान करवाया, तो उसके मित्र ने कहा भाई आपकी दशा क्या हो गई, इस समय तो आप बहुत दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे, आपकी दशा को देखकर तो मुझे बहुत क्लेश हो रहा है, आपके दुख को देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा है, मैं तो बहुत दुखी होंगे। उस आदमी ने कहा दुख मैं बिल्कुल दुख नहीं, मेरे पास दुख बिल्कुल नहीं है, मैं दुखी बिल्कुल ही नहीं हूं, मैंने अपने चारों तरफ पहरेदार बिठा दिया है और पहरेदार दुख को मेरे पास आने ही नहीं देते। उसे आश्चर्य हुआ, आदमी को ना आने दे तो बात समझ में आएगी और दुख भी नहीं आने दे। कहा कि मैंने अपने चारों तरफ पहरेदार बिठाया है, वो पहरेदार दुख को मेरे पास आने ही नहीं देते हैं, जब दुख आएगा नहीं तो कहां से दुखी होऊंगा मैं। उस आदमी देखा चारों तरफ वहां तो सुनसान, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहां तो कोई आदमी है ही नहीं, आप कहते हैं पहरेदार, और कौन से पहरेदार हैं जो दुख को आने न दे। उसने कहा देखो मेरा एक मकान छोटा सा मकान है, चारों तरफ दीवालों में क्या लिखा हुआ है, तो देखता है घूम करके चारों तरफ दीवार पर यही लिखा हुआ था यह भी नहीं रहेगा। उसने कहा तो लिखा है यह भी नहीं रहेगा, मैं समझा नहीं। उसने कहा जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहने वाला है, सुख बीत गया तो दुख भी बीतेगा बीतेगा, जब पढ़ता हूँ मेरा मन शांत हो जाता है, दुख मुझे परेशान नहीं करता। हर परिस्थिति में आप भी यही सोचें यह भी नहीं रहेगा। कोई आप लोग आए सम्मान करने लग गए, माला पहनाने लग गए, स्वागत करने लग गए, हम उसे भूल जाएं, वाह हम कितने बड़े आदमी हैं, कितने लोग हैं माला पहना रहे हैं, लेकिन सोच ले यह भी नहीं रहेगा तो मामला खत्म। सम्मान करने वाले कब तक सम्मान करेंगे, इसलिए सोचे कि सब दिन होते नहीं एक समान, सभी दिन एक समान नहीं होते हैं, हर परिस्थिति में रहने के लिए अपना मन बना करके रखो, हर परिस्थिति में परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनना है, परिस्थितियों का मालिक बनकर, यही तो ज्ञान की विशेषता है। भक्ति क्यों कर रहे हैं, धर्म का काम क्यों कर रहे हैं, सत्संग क्यों कर रहे हैं, साधना क्यों कर रहे हैं, परिस्थितियों का मालिक बनकर जीने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि कोई दुख हमें परेशान न कर सके। संसार का नियम परिवर्तन, ये भी समझ लो, बाहर न कहीं सुख है, बाहर न कहीं दुख है, सुख और दुख
हमारा मन बनाता है, न घाटा में सुख है, न मुनाफा में सुख है, न मिलने में सुख, न बिछुड़ने में सुख, न मिलने में दुख, न बिछुड़ने में दुख, न घाटा में दुख, न मुनाफा में दुख। आप कहेंगे साहब घाटा में तो दुख है, कहाँ दुख होगा? आप कहते दुख नहीं है, नहीं है, घाटा में भी दुख नहीं है। सोचने का तरीका, सोचने का तरीका है घाटा में दुख नहीं है, सोचने का तरीका नहीं है तो मुनाफा में भी दुख है। घाटा में दुख कैसे नहीं है, एक उदाहरण से समझ लो, बहुत साधारण उदाहरण है। आप कहीं जा रहे हैं, आपके जेब में, आपके बैग में, कहीं भी हो, आपके पास 10,000 रुपये हैं। वो 10,000 रुपये कहीं गिर गए या किसी ने आपकी जेब काट दी, उस समय आपको गिरते समय या जेब काटते समय आपको पता नहीं चला कि मेरे रुपये गिर गए हैं। बाद में जहां गए वहां पता चला, अरे रुपये तो चोरी हो गए या गिर गए। आप दुखी हो गए, मेरा हाय मेरा 10,000 चला गया, बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। आप दुखी हो गए, ठीक है, सिर्फ 10,000 का आपको नुकसान हुआ है, आप दुखी हो रहे हैं बहुत। अब जरा सोचो, आप 1,00,000 रुपया लेकर के जा रहे हो, 10,000 का 10 गुना है 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया लेकर के जा रहे हो, रास्ता सुनसान है, बदमाश मिले, बदमाशों ने बंदूक निकाली या तलवार निकाली और कहा तुम्हारे पास जो कुछ है वो चुपचाप निकाल के रख दो, यदि कुशलता चाहते हो, जान बचाना चाहते हो तो, नहीं तो नहीं दोगे तो जान भी ले लेंगे और माल भी ले लेंगे। आपने 1,00,000 रुपया निकाल कर चुपचाप दे दिया, बदमाश रुपये लिए चले गए, भाग गए। अब बताओ वो 1,00,000 रुपया दे करके आप खुश हो गए, दुख हो, भैया भले 1,00,000 रुपया गया, जान तो बच गई ना, 10,000 का घाटा हुआ था, बहुत दुखी, बहुत दुखी, 1,00,000 के घाटा में तो 10 गुना दुख दुखना चाहिए था। लेकिन नहीं नहीं अरे पैसा गया तो गया भैया, जान बच गई, घाटा हुआ है ना, कि सुखी हो रहे हो कि दुखी हो रहे हो? 1,00,000 जाने, 1,00,000 नहीं 5,00,000 भी चला जाए ना, जान बच जाएगी, कह रहे पैसा कमाते रह जाएंगे, जान तो बच गई। घटना वही है। अच्छा एक घटना और ले लो, एक ही घटना है, उसी घटना से हम सुखी होते हैं, उसी घटना से दुखी होते हैं, उसी घटना से किसी आदमी पर बहुत गुस्सा आता है और उसी घटने पर कहते हैं वाह वाह वो आदमी कितना बढ़िया आदमी है, धन्यवाद उसको है। जैसे मान लो कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं निमंत्रण में आप गए हैं, पंगत लगी हुई है, एक व्यक्ति मिठाई परोसते परोसते आया, सबको मिठाई परोस रहा है और आपके बाद जब आया तो मिठाई खत्म और लौट गया, कहा भाई मिठाई खत्म, आप मन ही मन उसे 10 गाली दोगे, सबको दिए, क्या मेरे लिए मिठाई खत्म हो गई? जरूर इस आदमी ने मेरे साथ पक्षपात किया है, मेरा अपमान किया है। आप उस आदमी पर बहुत गुस्सा करोगे, मन ही मन गाली दोगे, कहेंगे बस समय आ गया तब बताऊंगा तुमको, मैं भी अपमान का बदला लेकर रहूंगा, बहुत दुखी रहोगे। और जो खाया जो कुछ और भोजन भी आएगा ना, मंथ मंथ नहीं खाओगे, उदास से चले जाओगे। अब घर चले गए, सुबह आपने सुना जो जो मिठाई खाए सबको, रात में 10 बार टट्टी हुई, कहे भाई अच्छा हुआ मिठाई नहीं मिली पहले वही मिठाई नहीं मिली थी, गाली दे रहे थे, बहुत दुखी थे, मेरा अपमान किया गया। अब सुबह खाने वालों को दर पर टट्टी हुई, तब अच्छा हुआ भैया कितना बढ़िया आदमी है, मुझे मिठाई नहीं दिया,
घटना वही है ना। तो बाहर सुख दुख कहीं नहीं है, हम अपने को जैसा जोड़ते हैं, जैसा जोड़ेंगे वैसा सुख वैसा दुख। घटना अपने को जोड़ो मत, ठीक है घटना है, नहीं मिली मिठाई, रोटी तो मिलेगी, भात तो मिलेगा, सब्जी तो मिलेगी, पूरी तो मिलेगी, कुछ तो खाकर पेट भरना है ना, बस जो मिले खाकर पेट भर लो। ये सुख से जीने का तरीका है, क्योंकि सब कुछ बराबर रहता नहीं है। हरिश्चंद्र के जीवन में देखो कितनी उथल पुथल रही है, कहां महाराजा और कहां एक दिन पूरा भिखारी बन जाना पड़ा उसको, लेकिन डिगे नहीं। राम के जीवन में देखो कहां तो रात तिलक हो रहा था और कहां 14 साल तक जंगल जंगल भटकना पड़ा, कितनी विपत्तियां आई, दुखी नहीं हुए। महाभारत में अर्जुन ने बड़े बड़े वीरों पर विजय पाई थी और एक दिन वही अर्जुन साधारण कोल भील से हार गए। सबके जीवन में ऐसा, सबके जीवन में ऐसा होता है, सबके जीवन में। एक दिन कृष्ण का जीवन देखो कितनी गहमा गहमी। महाभारत युद्ध के सूत्रधार उन्हीं के कारण अर्जुन पांडवों ने महाभारत की लड़ाई जीती थी, और उसके पहले जब पांडवों ने युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था तब उनकी अग्र पूजा हुई थी, सभी वीरों में उन्हें श्रेष्ठ वीर मानकर उनकी अग्र पूजा की गई थी। उस समय कितना उनका सम्मान हुआ था, सर्वदा जहां जा कृष्ण 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 की चर्चा, खूब गहमा गहमी। लेकिन उन्हीं के जीवन में जब वे बूढ़े हो गए, लगभग 120 साल की उम्र, उनके सामने ही उनका पूरा परिवार, उनके बाल बच्चे नाती पोते जितना भाई भतीजे सब शराब पी पी करके एक दूसरे को तलवार से काट काट करके मर गए, कोई बचा नहीं। कैसा दारुण दृश्य रहा होगा। एक दिन उनकी भरी सभा में सैकड़ों राजाओं के बीच ऊपर सिंहासन पर बैठा करके पूजा की गई थी, और ये उनके सामने ही बुढ़ापा में उनके पूरे कुल परिवार का विनाश हो गया, कैसा भयंकर दृश्य रहा होगा। ये सबके जीवन में आता, सबके जीवन में आता है, इसलिए उछलने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कृष्ण के जीवन में इतने उथल पथल हुए, लेकिन कृष्ण की वीरता क्या रही है, जैसा लिखा है उसके अनुसार से, किसी आदमी के घर में कोई बूढ़ा या कोई बालक भी मर जाता है, जवान मरने की बातें छोड़ो, जवान मरने पर तो सब रोते ही रोते हैं, कोई बालक भी मर जाता है, कोई बूढ़ा भी मर जाता है तो परिवार वाले रोते हैं, दुखी होते हैं, कुछ में कुछ अच्छा लगता नहीं है कोई वो प्यारा हो तो। और जिस कृष्ण के सामने बुढ़ापा में उनका पूरा कुल परिवार आपस में, बाहर से नहीं आपस में ही दूसरे को मार मार करके, जिस पिता के सामने उसके बेटे ही आपस में लाठी से डंडा से एक दूसरे को मार रहे हो, दोनों सिर फूट गया हो, वो बूढ़ा पिता की दशा क्या होगी। तो जिस श्री कृष्ण के जीवन में उन्हीं के सामने ही उनका पूरा कुल परिवार समाप्त हो गया, वो कृष्ण की विशेषता क्या है, इतने पर भी वो दुखी नहीं होते हैं, जाते हैं पेड़ के नीचे और समाधि लगा करके बैठ जाते हैं, ये उनकी वीरता है।
ये उनकी विशेषता है। इतनी भयंकर घटना, इतनी भयंकर घटना, लेकिन रोते नहीं हैं। आप श्री कृष्ण का जीवन देखो, उथल पुथल उथल पुथल, कितनी लड़ाई, कितने मार पीट, क्या क्या, लेकिन कृष्ण कहीं भी रोने का नाम उसके जीवन में नहीं, कहीं वो रोते ही नहीं है, और रोना जानते नहीं है। राम तो रोते हैं, बहुत रोते हैं राम, रोए हैं या लोगों ने रुलाया हो बात अलग चीज है। गोस्वामी जी ने कितना रुलाया है राम को, वाल्मीकि रामायण में भी राम कितना रोए हैं, लेकिन कृष्ण को आप रोते हुए कहीं पाओगे नहीं। चाहे जैसी मुसीबत आए, डट पड़ते हैं और मुस्कुराते हुए मुसीबत से बाहर निकल आते हैं। ये उनके जीवन की विशेषता रही है। वही विशेषता अपने जीवन में धारण करना कृष्ण की भक्ति है। खाली कृष्ण की हम आरती वंदना कर लिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बस ये मंत्र जप कर लिए, समझ लिए कृष्ण की भक्ति हो गई, धोखा है, खाली मंत्र जपने से कुछ नहीं होना, ये समझ लो। कोई मंत्र जप करके, कोई पूजा करके, कोई पाठ करके, कोई नाम जप करके कृष्ण कृष्ण नहीं बने हैं, कृष्ण संघर्ष करके कृष्ण बने हैं। कोई पूजा, कोई नाम जप करके, कोई गंगा नहा करके राम राम नहीं बने हैं, राम संघर्ष करके राम बने हैं। ऐसे ही चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, जो भी बने हैं, पूजा पाठ से महान नहीं बने हैं, संघर्ष करके, जीवन को तपा करके, गला करके, सारी विपत्तियों को सहन करके तब वे महान बने हैं। और हम सहना नहीं जानते, सहना तो जानते हैं दूसरों को, सहना हमें नहीं आता है, सहना पड़ेगा। यदि जीवन को तपाना है, जीवन को निखारना है, तो सहना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेगी। जब तक कोई पत्थर छेनी और हथौड़ी की हजारों चोटें सहन नहीं करेगा, वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बनेगा, कभी भगवान नहीं बनेगा। पत्थर भगवान तभी बनता है जब हजारों चोट सहन करता है। और हम क्या चाहते हैं, लोग हम पर फूल माला पहनाते रहे और हम महान बन जाए, नहीं होने वाला है। फूल माला पहन करके कोई महान नहीं बन सकता है। कितने देर तक फूल माला पहनोगे और कब तक पहनाएंगे लोग? महान बनना है, भगवान बनना है, जीवन में चमक लाना है, तो ठोकरें खानी पड़ेगी। और ठोकरें नहीं कि आकर के डंडा साहब आपको मारे, ठोकर मतलब क्या है, दुख, अपमान, पीड़ा, निंदा, ये सारे सब कुछ जो है वो सहन करना होगा। और सहन करके शांत रहना होगा, प्रतिक्रिया की भावना नहीं, प्रतिक्रिया की भावना केवल हार, केवल हार है। बड़ा बनना चाहते हैं, जीवन में निखार चाहते हैं, आत्मा की शांति चाहते हैं, तो बदला लेने की भावना को अपने दिल से निकाल दो बाहर। किससे किससे बदला लोगे, किससे किससे लड़ोगे? छोटी सी जिंदगी लड़ लड़ करके बर्बाद करने के लिए मिली नहीं है। सहन करके, शांत करके, सेवा करने के लिए मिली, कल्याण करने के लिए मिली है जिंदगी। मैं कह रहा था, सब दिन होत न एक समाना, सभी दिन एक समान नहीं होते। किसी के जीवन में एक समान नहीं रहा है। एक दिन ऐसा था जब राम लंका से विजय करके अयोध्या लौटे और अयोध्या उनका राज तिलक हुआ। पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई थी, जहां देखो आनंद आनंद आनंद, लोग हंसी खुशी से नाच गा रहे थे, मंगल मना रहे थे। लेकिन
उन्हीं राम के जीवन में थोड़े दिन पश्चात ऐसा घोर परिवर्तन आया कि गर्भावस्था में उन्हें सीता को निकालना पड़ा, लोगों के अपवाद के डर के कारण से। घर घर में अपवाद फैल गया था सीता के लिए। राम आजीज आकर के उन्हें सीता को उन्होंने जंगल में निकाल दिया। फिर लक्ष्मण जैसे भाई, अंतरंग भाई लक्ष्मण जैसा, उस लक्ष्मण का उन्हें त्याग करना पड़ा, देश निकाला देना पड़ा और जब लक्ष्मण का राम ने त्याग कर दिया, देश निकाला दे दिया, तो लक्ष्मण जा करके सरयू में डूब करके प्राण त्याग दिए। इस घटना से राम इतने दुखी हुए कि अयोध्या में जितने लोग रहते थे, पूरी अयोध्या वासियों के सहित राम सरयू में जाकर के जल समाधि ले लेते हैं। वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है कि अयोध्या में सांस लेने वाला एक जीवित प्राणी भी नहीं बचा था, सब के सब सरयू में जाकर के प्राण त्याग दिए। कहां एक दिन रात तिलक और कहां एक दिन पूरी अयोध्या सुनी बन हो गई। ये दुनिया है भाई, ये सबके जीवन में होने वाला, सबके जीवन में होने वाला है। न नूनम अस्ति नोस्व कस्तद वेद यदूतम अन्य सचित्तम अभिसंचरेण्यम उताधित विनश्यत। ये वेद का एक मंत्र है, शायद ऋग्वेद का ही है या अथर्ववेद, दोनों में ये समय ख्याल नहीं हो रहा है। न नूनम अस्ति नोस्व कस्तद वेद यदूतम न नूनम अस्ति। नूनम कहते हैं निश्चित को, अस्ति मतलब है, न मतलब नहीं, मतलब दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, पूरी दुनिया बदलने वाली परिवर्तनशील है। इसलिए जो मिला है उसका अहंकार ना करें। जो भी मिला है, धन मिला है, पद मिला है, विद्या मिली है, बल मिला है, ताकत मिली है, शासन मिला है, स्वामित्व मिला, अधिकार मिला है, सबका उपयोग अपने कल्याण के लिए और लोगों की सेवा के लिए करो। अंत में तो सबको सब यही छोड़ करके जाना ही होगा, चाहे अच्छा करके जाओ चाहे गलत करके जाओ, जाना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। किसके साथ क्या गया है कौन नहीं जानता है, किसके साथ कुछ नहीं जाता है। जब सब कुछ छोड़ करके जाना ही है तो अच्छा करके क्यों नहीं जाते। खाओ खिलाओ, खाओ खिला करके जाओ, अंत में तो सड़ना सड़ना है सबको। लेकिन आदमी कि प्रवृत्ति जोड़ो 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 जोड़ो, पकड़ते जाओ पकड़ते जाओ पकड़ते जाओ, पकड़ना जानता है आदमी, छोड़ना नहीं जानता है। अब पकड़ते पकड़ते इतनी पकड़ कि छोड़ने के नाम मात्र से उसे पीड़ा होती है। नाम छोड़ा नहीं है कि छोड़ने के नाम मात्र से पीड़ा, देने के नाम मात्र से पीड़ा होती है। एक सेठ अपने बंगला में बैठे थे, अंदर दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा था, पहरा दे रहा था। 8-10 लोग आए, चौकीदार से बात करने लगे, 4-6 मिनट तक बात होती रही। अंत में लोग सब चले गए, जो 8-10 लोग आए थे। जब सब चले गए तो सेठ ने उस चौकीदार को बुलाया और पूछा, वो कौन लोग थे, क्या बात हो रही थी। तो चौकीदार ने कहा कि गांव में कोई लोग कुछ आयोजन करना चाहते हैं, कोई मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसे चंदा मांगने आए थे।
तो शेर ने कहा, तो तुमने क्या कहा? तो मैंने उन्होंने कहा, भाई देखो भाई, यदि शेर जी से चंदा लेना है तो 7 दिनों के बाद आना, अभी नहीं मिलेगा शेर जी चंदा, नहीं मिलेगा। यदि शेर जी चंदा, यदि शेर जी से चंदा लेना है तो 7 दिनों के बाद आना। उसकी बात सुन करके सेठ ने जोर से एक चाटा उसके गाल में मारा, बेवकूफ तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की। तो नौकर चौकीदार रोते रोते कहा, मैं अभी थोड़े बुलाया हूँ उन लोगों को, मैं तो 7 दिनों बाद बुलाया हूँ। तुमने कहा कि मैं तो यही कह रहा हूँ, तुमने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया उन लोगों को? पकड़ने की आदत, मतलब 7 दिनों में भी इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? पकड़ने की आदत, एक आदत रहेगी उतने ही चाटा खाना पड़े। पकड़ना पड़ता है, लेकिन पकड़ना छोड़ने के लिए पकड़ो, पकड़ना छोड़ने के लिए होता है। अब पकड़ने की आदत बना लोगे तो चाटा खाना पड़ेगा, तो छूटेगा। तो न नूनम अस्ति, ऋषि कहते हैं जो जो है वो सब रहेगा नहीं, कुछ नहीं। नोश्वा, कल क्या होगा पता नहीं होगा। नूनम ऐसे, नूनम का होता है आज, नूनम का कई अर्थ होता है, नूनम का होता है निश्चित, नूनम का होता है आज। तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा। न नूनम अस्ति नोश्व, न आज रहेगा न कल रहेगा, मतलब स्थिरता कुछ भी नहीं है। ग्यारह घंटा पहले सूर्योदय हुआ था, अब क्या हो रहा है? सूर्यास्त की स्थिरता है। कस्तद वेद यदुद्भूतम, ऋषि कहते हैं यह अद्भुत जो संसार है इसे कौन जानता है? ये दुनिया कहाँ से आ गई, चांद कितने बनाया, सूरज कितने बनाया, धरती कितने बनाए, पानी कितने बनाए, कितने बना, हवा कितने बनाए, आकाश को कौन थाम कर रखा है? ये रोज सुबह एक के बाद सूरज और चांद क्यों आते रहते हैं कौन जानता है? कई लोग कह देते हैं भैया भगवान मालिक हैं, भगवान ने बना दिया। बच्चों को समझाने के लिए कह जाता है भगवान ने बना दिया है, और कोई उत्तर नहीं है। भगवान ने बनाया है ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए है, आप किसी समझदार के जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सकते। बस होता है दुनिया बनाई किसी ने नहीं, अपने आप है। मिट्टी पानी आग हवा किससे बने हैं? भगवान ने दुनिया बनाई तो मिट्टी को किससे बनाई, और जिससे मिट्टी बनाई वो चीज कहाँ रखी थी पहले? अमू जगह रखी थी, दुनिया तो पहले से सिद्ध हो गई। जो मैटर है, जो द्रव्य है, वो नित्य है, अनादि है, अनंत है। और जितने भी मूल द्रव्य हैं, जितने भी मैटर है, सब में गति है, सब में क्रिया है। ये गति और क्रिया उनकी शक्ति है, सब अपने गुण है और धर्म है। गति और क्रिया में मिलना भी छोड़ होता है। जितने परमाणु हैं सब में गति है, उन्हें गति के से परमाणु इधर से मिलते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, उसी से बनना बिगड़ना चलता रहता, रूप बदलता रहता, बनाने का आवश्यकता नहीं है। तो इसी कहते हैं जो अद्भुत संसार है इसे सब पूरा का पूरा कौन जान सकता है? हमारे वैज्ञानिक आजकल एक से एक कहां से कहां आविष्कार कर लिए, अद्भुत जमाना आ गया है आज। लेकिन वैज्ञानिक जितना जानते हैं, जितना खोज किए हैं, अभी 1% की ही खोज किए होंगे, 1% के, वो भी कहना काफी ज्यादा है। अभी जितना जाना गया है कण बराबर है, और जो नहीं जाना गया है वो पहाड़ बराबर है। इसलिए अपनी जानकारी का, अपनी खोज का, अपनी बुद्धि का अहंकार नहीं करना है। विनम्रता पूर्वक आत्मकल्याण और लोक कल्याण के काम में लगा लेना है। अन्य सचित्तम अभिसंचरे नियम, ऋषि कहते हैं लोगों का मन अत्यंत चंचल है,
कब किसका मन बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। जब जिस आदमी से मुलाकात हो, बढ़िया से बढ़िया प्रेम का, सेवा का, समता का, सरलता का, विनम्रता का व्यवहार कर लो, मीठा व्यवहार कर लो, ऐसा से व्यवहार कर लो कि इस हमारी जो मुलाकात हो रही है ये आखिरी मुलाकात है। कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अभी हमें मिल रहा है, जिस प्रेम से, जिस विचार से अभी मिल रहा है, दोबारा मिलेगा तो इसके मन में हमारे लिए वही प्रेम रहेगा। होता था घर तक तो होता था, बढ़ जाए तब मन बदलता रहता है आदमी का। किसी पर मैं ये नहीं कहता हूं कि संदेह करो, मैं ये नहीं कहता हूं किसी पर अविश्वास कर लो। अविश्वास और संदेह करना तो अपने मन को ही बिगाड़ लेना है। लेकिन ये मत सोचो कि आदमी सदैव मेरा साथ ही देगा, जब तक उसका मन है तब तक साथ देता रहेगा। जो व्यक्ति अभी झुक करके आपके पांच होकर आपको प्रणाम कर रहा है, ये मत समझना कि व्यक्ति सदैव ऐसे झुककर आपको प्रणाम ही करेगा। हो सकता है झुकेगा जरूर, लेकिन आपका टांग खींचने के लिए झुकेगा समय आने पर। मन बदल जाकर जो व्यक्ति अभी बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति भावना से, प्रेम से हमारे गले में फूलों की माला पहना रहा है, वही व्यक्ति कभी बड़े प्रेम से हमारे गले में बड़े प्रेम से तलवार भी चला देगा। नियम है दुनिया का, देखते ही हैं। तो अन्य से चित्तम अभिसंचरे नियम, लोगों का मन अत्यंत चंचल है। अरे अपना मन कितना चंचल है, हर आदमी मन की चंचलता से परेशान तो है ना। तो इसलिए किसी से इतना मोह ना कर लो कि उसके बिछुड़ने पर अपने को रोना पड़े। जब तक है प्रेम का, सेवा का, आदर का, सम्मान का बढ़िया से बढ़िया व्यवहार करो। मन बदलने देर नहीं लगती है। उताधित विनश्यति, अधित कहते हैं पढ़े हुए को। जो पढ़ा हुआ होता है भूल जाता है, याद नहीं रहता है। जितना हमने पढ़ा है सब सब कहाँ याद है। बड़े बड़े विद्वान, ऐसा समय आया कि सब कुछ भूल गए। एक ठोकर लगती है सिर पर के किसी एक नस में, सारी स्मृति गायब। राहुल संकटायन की याद आती है। राहुल संकटायन महापंडित की उपाधि दी गई थी, पंडित ने महापंडित की उपाधि दी गई थी। 33 भाषा जानता था और 33 भाषा में लिख सकता था, बोल सकता था, पढ़ सकता था। 200 से ज्यादा पुस्तकें हैं उनकी और अनेक विषयों में पुस्तक है। कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, भौतिकवाद पर है, समाजवाद पर है, बौद्ध दर्शन पर है, तब अनेक विषयों पर उनकी पुस्तकें हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में वे महापंडित राहुल संकटायन दिल्ली में जब बीमार पड़े तो ऐसी बीमारी हुई कि वो सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं रहा। उनका एक मित्र जब उनसे मिलने गया, उनसे बातचीत करने लगा, तो उसके दोनों हाथ पकड़कर उसने कहा, क्या मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, भूल गया। उनके मित्र बताते थे, गुरुदेव जी कहते थे, उनके मित्र बताते थे, यदि राहुल संकटायन जी गए होते तो फिर से उन्हें कख गघ पढ़ाना पड़ता। ऐसे ऐसे होते हैं। तो किसका अहंकार, ये विद्या का अहंकार और बिल्कुल मूर्खता है। ज्ञान का, बुद्धि का, विद्या का अहंकार कभी मत करो। बुद्धि ये ज्ञान है, अच्छे काम में उपयोग करो। क्या पता है समय का चक्र
कहाँ पहुँचा दें। तो कबीर साहब कहते हैं, सब दिन होत न एक समाना, किसी के जीवन में सभी दिन एक समान नहीं होता है। जिसको भी अधिकार मिला है, आप घर के मुखिया हैं तो आपको घर का मालिक बनाया गया है, बड़ी विनम्रता से घर वालों की सेवा करो, आपको सेवा करने के लिए मुखिया बनाया गया है, अहंकार गांठने के लिए नहीं, रोब गांठने के लिए नहीं, डांटने के लिए नहीं, अब बढ़िया बढ़िया खाने के लिए नहीं, थोड़ा मन मुखिया बनाया है। आप समाज के मुखिया हैं, आश्रम के महंत हैं, गुरु हैं, व्यवस्थापक हैं, तो आपको आश्रम की व्यवस्था के लिए, लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, आश्रम में जो साधिकाएं या साधक रहते हैं उनकी सेवा के लिए मुखिया बनाया गया है। पुजवाने के लिए मुखिया नहीं बनाया गया है, बड़ा कहा मुखिया नहीं बनाया गया है, ऐसे ही कोई गांव का सरपंच बना दिया गया, तो 5 साल के लिए कोई MLA बन गया, कोई MP बन गया, मंत्री बन गया, समझते हैं वाह हम तो बड़े बन गए, उनके पैर जमीन पर पड़ते नहीं, हमारे अहंकार के पता नहीं क्या किया, लेकिन 5 साल बाद जनता ऐसा चांटा लगाती है बेचारे को, फिर पता नहीं चलता है, चल जाता है। इसलिए जो भी चाहे सरपंच बने हो, चाहे विधायक या बने हो, सांसद बने हो, मंत्री बने हो, चाहे कोई भी बने हो, सेवा के लिए बने हैं, सेवा करो। पैसा नहीं रहने वाला है, जमीन नहीं रहने वाली है, मकान नहीं रहने वाला है, आपकी कीर्ति रह जाएगी, सेवा कर जाओगे तब। ये मत समझना कि हमें एक बार गद्दी मिल गई तो मिल गई, सदैव सदैव रहेंगे, सदैव किसी के नहीं रहा, किसका रहा सदैव? देख लो, भारत जब से आजाद हुआ है, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तब से कितने प्रधानमंत्री आए, और आप लोगों से कह दिया जाए जितने प्रधानमंत्री हैं क्रम से सबका नाम लिखो, कब तक रहा, तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे, याद भी नहीं होगा कुछ तो किसी का, 2-4 भी याद होगा। आज जो प्रधानमंत्री है उनको भी नहीं रहना है एक दिन, चाहे चुनाव से हटे, चाहे शरीर छूटे पर हटे, हटना तो हटना है, चुनाव से नहीं हटेगा, हटेंगे मतलब चुनाव जीतते चले जाएंगे तो शरीर तो छूटेगा ना, अमर थोड़े हो जाएगा, गद्दी पर थोड़े बैठे रह जाएंगे। आश्रम का कोई गुरु बन गए, अरे भाई जब पहले वाले गुरु नहीं रह गए तब तो आपका नंबर आया है, तो आपको भी तो नहीं रहना है ना, किसका अहंकार करते हो? वो कहानी, अकबर बादशाह थे, बीरबल मंत्री, और बीरबल तो हाजिर जवाब, ऐसे अकबर और बीरबल बैठे बात कर रहे थे, तो बात करते करते अकबर ने कहा, बीरबल यदि ये बादशाहत सदैव कायम रहती तो कितना बढ़िया होता, सोचते एक बार में बादशाह बने, सदैव सदैव मैं ही बादशाह बन रहा हूं, सरपंच भी सोचते हैं ना, विधायक भी सोचते हैं, हर कोई सोचता, गुरु भी सोचते हैं। तो बीरबल से अकबर ने कहा, बीरबल यदि ये बादशाह सदैव कायम रहती कितना बढ़िया होता। बीरबल ने कहा, हुजूर बहुत बुरा होता, बहुत बुरा होता, इससे बुरा कुछ भी नहीं होता। बीरबल का भी तो कहने तरीका अलग था ना, हुजूर इससे बुरा कुछ होता ही नहीं है। अकबर ने कहा, क्यों बीरबल? अरे बादशाह सदैव कायम रहती तो सदैव हमारा अधिकार रहता क्या हुजूर? यदि बादशाह सदैव कायम रहती ना तो आपके दादा बैठे होते, आपका नंबर नहीं आता कभी, एक के बाद एक आ रहे हैं ना, तब आपको नंबर आ रहा है, किसका अहंकार करते हैं भाई? सब दिन होत न एक समाना, याद रखो इसको, याद रख लोगे सब दिन होत न एक समाना, तो घाटा होने पर, किसी की मौत होने पर दुखी नहीं होगे, और सम्मान होने पर, किसी जन्म होने पर आप अहंकार में उछलोगे नहीं, शांत रहोगे। शांत रहने का तरीका यही है, स्थिति को समझते रहना। एक रस जब जीवन में जो आ जाए उसको सहज भाव से स्वीकार करो। हमारे साथियों ने बताया होगा आपको, परिस्थितियां एक रस रहती नहीं है,
बदलती रहती है। खुश रहने का, प्रसन्न रहने का तरीका क्या है? जो क्योंकि हम चाहते क्या है, सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो, लेकिन अनुकूल तो होता नहीं, प्रतिकूल भी होता है। यदि आपको लगता है कि मुझे प्रतिकूल है, तो जिसे रोक सकते हो रोको। आप चाहते हैं अमुक काम ना हो, ऐसे घटना ना घटे हो, तो जिसे आप रोक सकते हो उसे रोको। रोक नहीं सकते हैं तो बदल सकते हो, उस चीज को बदलो। दो तरीका है, रोक सकते हो तो रोको, बदल सकते हो तो बदलो। रोक भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते, तो स्वीकार कर लो। और क्या रास्ता बचेगा? पूरी ताकत लगा दो रोकने के लिए। वर्षा हो रही है, लगाओ ताकत, जितना रोक सकते हो रोको। एक रोक तो पाओगे नहीं, तो स्वीकार करो। तो जिसे रोक सकते हो रोको, पूरी ताकत से रोको। और बदल सकते हो, अपनी ताकत लगा करके बदलने की कोशिश करो। ना तो रोक पाओगे, ना बदल पाओगे, तो अंत में स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं करोगे तो खींचते रहोगे, झिकते रहोगे, बड़बड़ाते रहोगे, चिढ़ते रहोगे, उलझते रहोगे, जीवन बर्बाद चला जाएगा। जो कुछ है उसका आनंद भी आप ले नहीं पाओगे। हुआ तो हुआ, गया तो गया, वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान हमारे हाथ में है, बीत गया वो मुर्दा हो गया, आने वाला क्या है, सपना है। वर्तमान में आज मैं कितना बढ़िया से बढ़िया जीवन जी सकता हूँ, बढ़िया से बढ़िया कर सकता हूँ, बढ़िया से बढ़िया सोच सकता हूँ, ये करो ना, फिर आगे सब के सब बढ़िया होता चला जाएगा। यही रास्ता है। तो सब दिन होता एक समान, सदगुरु कबीर कहते हैं सभी दिन एक समान नहीं होते। कल हम लोग आए, पंडाल लगा था, आप लोग आ गए, कल हम लोग और रहेंगे, और परसों आएंगे तो पंडाल यहाँ मिलेगा, बिया बा कोई रहेगा नहीं यहाँ पर, आश्रम साधिकाएं रहेगी, सफाई भाई करती रहेगी। और एक साथ आज आओगे तो जब एक साथ फिर आओगे तो क्या देखोगे, कहीं मिर्चा बोया है, कहीं धनिया बोया है, कहीं भाटा बोया है, यही तो होना है, और क्या होना है। अब फिर आगे 4 महीने पश्चात तो सब खत्म। तो जो तथ्य है परिवर्तनशीलता, आप चाहते हो कुछ ना बदले, जो मुझे मिला कुछ ना बदले। अरे भाई बदले है तब, बदला है तब तो ठीक है, यदि कुछ ना बदले ना, आप पैदा हुए थे इतने बड़े बच्चे थे, ऐसे 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 यदि रह जाओगे, तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा हो इतने बड़े ही रह जाओ जीवन में, तो क्या भगवान थोड़ा सा बड़ा करो, प्रार्थना करोगे ना, चाहोगे कि मेरा बच्चा जितना बड़ा पैदा हुआ है, छोटा बच्चा होता है, गोद में उठाते हो, बड़े प्यार करते हो, चूमते हो, चामते हो, वो बच्चा 25 साल तक वैसे रह गए हो गए, कब तक चाटोगे उसको, फिर प्यार खत्म हो जाएगा। ये तो बदलना है दुनिया का नियम, इसी में सब कुछ होता है, इसी नियम, इसी दुनिया में हमें अपना काम करना है। खास बात यह है, सुख आए तो, दुख आए तो, मन को शांत रखना, बैलेंस में रखना है। तो याद रखो, सब दिन होता ना एक समाना, सबके जीवन में होता है भाई। समता से, शांति से जियो, और जो आज स्वीकार करते हुए कल्याण का काम कैसे हो, सेवा काम कैसे, इस पर सोचो विचारो, ये आपके हाथ में है। अपनी वाणी को मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय।